नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट हुआ जारी। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी मांग। एसटीईटी 2019 के रिजल्ट की हुई घोषणा। मनोज वाजपेयी आए कोरोना की चपेट में। जेईई मेन परीक्षा की तारीख में हुआ विस्तार। खराब परफॉर्मेंस वाले कर्मियों को जिला अनुमंडल मुख्यालय के अंचल से किया जाएगा बाहर। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सामान्य बीमा निगम जीआईसी ने निकाली रिक्तियां। भारतीय सामान्य बीमा निगम जीआईसी ने असिस्टेंट मैनेजर के कुल मिलाकर 44 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो वित्त, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जनरल, कानूनी, बीमा तय किया गया है। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 60% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री या लॉ ग्रेजुएट या पीजी डिग्री या डिप्लोमा इन जनरल इंश्योरेंस या रिस्क मैनेजमेंट या एलआईसी या 8वीं या एफसीआईएल 60% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 29 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.gicofindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार के अब ग्राम पंचायतों की योजनाओं में ऑनलाइन भुगतान हुआ अनिवार्य। बिहार में अब ग्राम पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि से होने वाली सभी योजनाओं में खर्च की राशि का ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। खबरों की माने तो यह नियम वित्तीय वर्ष 2021-22 से यानी कि अप्रैल महीने से लागू होने वाली है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने भी अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संबंधित पदाधिकारी और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का डिजिटल हस्ताक्षर किया जा रहा है। यह व्यवस्था जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत तीनों में लागू होने वाली है। आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मिलने वाली राशि उक्त तीनों में वितरित होती है। बिहार एसटीईटी का रिजल्ट हुआ जारी। लंबे इंतजार के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीईटी 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं वो अपना रिजल्ट www.bseb.steet2019.in या फिर biharboardonline.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें एसटीईटी 2019 के परीक्षा परिणाम की घोषणा होने के बाद अब बिहार में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सीतामढ़ी के पंथ पाकर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। माता सीता और भगवान राम और परशुराम संवाद स्थल धाम के रूप में जाने जाने वाला पंथ पाकर धाम जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित भतनाहा प्रखंड में स्थित है। मान्यता है कि जनकपुर से माँ सीता की डोली अयोध्या के लिए जा रही थी तो इसी पंथ पाकर गांव में रुकी थी और यहीं पर भगवान राम और परशुराम के बीच संवाद हुआ था एवं परशुराम ने राम को अयोध्या जाने का रास्ता भी यहीं से दिखाया था। यहीं पर माँ सीता ने विश्राम के बाद एक पाकड़ की पेड़ की डाली को तोड़कर दातुन की और दातुन का चीरा पास में ही फेंक दिया था, जिसका नतीजा हुआ कि स्थल पर पाकड़ का पेड़ उगाया था। बिहार में बढ़ा इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज। बिहार सरकार की पहल अब सफल साबित होती जा रही है। लोगों को इलेक्ट्रिक कार के बाद अब इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक साइकिल भी खूब पसंद आने लगी है। खबरों की माने तो बिहार के लोगों की पसंद अब इलेक्ट्रिक बाइक बनती जा रही है। कई शोरूम में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के स्टॉक भी खत्म होते जा रहे हैं। आलम यह है कि लोग स्कूटी से लेकर मोपेड और इलेक्ट्रिक साइकिल की खरीदारी भी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन सब में सबसे ज्यादा डिमांड इलेक्ट्रिक साइकिल की है, जो 35,000 रुपए में उपलब्ध है और एक बार चार्ज करने के बाद 50 का माइलेज भी देती है। साइकिल की स्पीड भी 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लोग सेहत में सुधार लाने के उद्देश्य से ज्यादा साइकिल की खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक्सीलेटर के अलावा पैडल का भी सहारा लेकर लोग सवारी कर सकते हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब सस्ते में मिलेगी एलईडी लाइट। बिजली खपत को कम करने की कोशिश में अब सरकार जुट गई है, जिसके तहत सरकार ने अपनी तरफ से सामान्य बल्ब की जगह एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने की सलाह दे दी है, जिसके तहत आने वाले कुछ जिलों में सरकार सामान्य बल्ब से भी कम दाम में एलईडी लाइट बेचने की व्यवस्था कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर विशेष तैयारी कर ली है, जिसके तहत देश भर से ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को 10 रुपए में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी। इसके तहत 9 और 12 वाट से 5 एलईडी बल्ब उपभोक्ता को दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत बिहार में भोजपुर जिले से होने वाली है। बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट हुआ जारी। बीते कुछ दिनों से बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं अब बिहार के मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने भी अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत बिहार के कई जिलों में गरज के साथ बारिश के हालात बने हुए हैं। हालांकि बीते दिनों बिहार के कई जिलों में बारिश भी देखने को मिली थी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के अनुसार सूबे के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर मध्यम आकार के ओले भी गिर सकते हैं। बीते शुक्रवार और शनिवार को सूबे में गरज के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट आने के आसार है। खाद बीज का लाइसेंस देने में अब ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली को किया जाएगा लागू। कृषि विभाग ने हाल ही में खाद बीज और कीटनाशी दवाओं को दी जाने वाली लाइसेंस प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी करने की कोशिश की है, जिसके तहत अब विभाग ने खाद बीज और कीटनाशी दवाओं को दी जाने वाली लाइसेंस के लिए ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली को लागू कर दिया है। इससे निर्धारित समय में
कार्रवाई नहीं करने पर आवेदन मंजूरी के साथ साथ वरीय पदाधिकारी के लॉगिन में चला जाएगा। कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने लाइसेंस देने की प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी और अधिकारियों को पत्र लिखा है। निदेशक का कहना है कि ऑनलाइन लाइसेंसिंग से संबंधित सभी कार्य आवंटित समय सीमा में पूरे करने हैं। विभाग से आश्वासन के बाद बुनियाद केंद्र का अनिश्चितकाल हड़ताल वापस। समाज कल्याण के अंतर्गत संचालित बुनियाद केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों एवं भविष्य निधि को लेकर अनिश्चितकाल का हड़ताल विभाग द्वारा मिले आश्वासन के बाद वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में सदर एवं अनुमंडल लेवल पर 101 बुनियाद केंद्र संचालित है, जिसमें लगभग 1100 कर्मी कार्यरत है। बिहार में ईंट भट्टों की मनमानी पर नकेल कसने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में ईंट भट्टों की मनमानी पर अब सरकार की नजर रहने वाली है, जिसके तहत अब बिहार में बगैर टैक्स चुकाए जितने भी भट्टे चल रहे हैं, वो अब सरकार उन भट्टों के मालिकों पर मामला दर्ज करने वाली है। इसके साथ ही अब प्रशासनिक अधिकारियों की भी परेशानी ऐसे भट्टों के संचालन से बढ़ने वाली है, जिसके तहत अब जिस जिले में ऐसे भट्टे पाए जाएंगे वहां के खनन पदाधिकारी और खान निरीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि भट्टों के कारण प्रदूषण के बढ़ते मामलों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। स्मार्ट सिटी में जल जमाव की समस्या को किया जाएगा दूर। स्मार्ट सिटीज में होने वाले जल जमाव को लेकर अब विभागीय स्तर पर कामकाज शुरू हो रहा है, जिसके तहत पटना और आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव से बचाव को लेकर मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। इसके बाबत नगर विकास और आवास विभाग के निर्देशन पर बुडको के माध्यम से हैदराबाद की कंपनी इसको लेकर काम कर रही है। इस कंपनी की तरफ से पटना और आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या दोबारा न हो, इसको लेकर पूरे शहर के ड्रेनेज की डिजाइनिंग प्लानिंग डीपीआर आदि तैयार की जा रही है। इसको लेकर 8.85 करोड़ रुपए का खर्च भी किया जा रहा है। जेईई मेन परीक्षा की तारीख बढ़ी आगे। जेईई मेन परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में जेईई मेन मार्च सत्र का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद 15 मार्च से शुरू होने वाली यह परीक्षा अब 16 मार्च से शुरू होने वाली है। इतना ही नहीं, परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह भी साफ कर दिया है कि इस परीक्षा को अलग अलग शिफ्ट में 18 मार्च तक लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल जेईई मेन्स की इस परीक्षा को 4 सत्र में आयोजित करवाया जाने वाला है, जिसके बाद हम सभी उम्मीदवार jeemain.nta.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में ओपन मार्केट से बिजली लेकर उद्योग चलाना हो सकता है महंगा। बिहार में खुले बाजार से बिजली उद्योग चलाने वालों की परेशानी बढ़ने वाली है, जिसके तहत मौजूदा समय की तुलना में उद्योगपतियों को महंगी बिजली पर उद्योग चलाना होगा। इसको लेकर बिजली कंपनी ने ओपन एक्सेस से बिजली लेने वालों पर 50 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दे दिया है। आयोग ने इस बाबत साफ कर दिया है कि अगर कंपनी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई तो बड़े उद्योग में ओपन एक्सेस से बिजली लेने पर यह सरचार्ज प्रभावी हो जाएगा। आपको बता दें कि कंपनी की तरफ से विनियामक आयोग को सौंपी गई याचिका में 50 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अब कई जगहों पर खोला जाएगा हाट। बिहार सरकार नए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से काम कर रही है, जिसके तहत बिहार के बुनकर किसान और शिल्पकारों के उत्थान के लिए भी योजनाओं की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी हाल ही में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मेक इन बिहार प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसके तहत ही अब ऐसे प्रोडक्ट्स को पटना से निकालकर बिहार में और दिल्ली तक पूरे देश में और विदेश में भी ले जाना है। इसको लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट भी बनाया जाएगा। हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी पर नीतीश सरकार ने किया फोकस। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डगमरा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा की। वहीं ऊर्जा विभाग के इस प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी काफी उपयोगी है। एक अड़े मार्ग स्थित कल्प में आयोजित समीक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस ने डगमरा प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने इस बाबत बताया है कि यह प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, जो सुपौल जिले के अंतर्गत कोसी बराज के नीचे और कोसी महासेतु से ऊपर बनाया जाएगा। राजद ने पंचायत चुनाव में समर्थकों को उतारने का किया ऐलान। भले ही पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की कोई भूमिका अक्सर नहीं होती है, मगर इस बार के पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रुचि दिखाने लगी है, जिसके तहत अब भाजपा के बाद राजद ने भी अपना बयान जारी करते हुए पंचायत चुनाव में समर्थकों को उतारने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की यह कोशिश है कि उसके एक समर्थक एक ही क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे, समर्थकों के बीच आपस में टकराव की स्थिति न देखने को मिले, ताकि पार्टी के अधिक से अधिक लोग चुनाव जीत सके। पार्टी ने तय किया है कि वार्ड हो या मुखिया, पंचायत समिति हो या फिर जिला परिषद के उम्मीदवार, एक क्षेत्र में दल के एक ही समर्थक चुनावी मैदान में उतरे।
अब राजधानी पटना में मानक की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिहाज से राजधानी पटना में मानक की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर अब सीबीएसई सख्ती से पेश आने वाली है, जिसके तहत सीबीएसई ने अपनी तरफ से मानक पूरा नहीं करने वाले स्कूलों की जांच भी शुरू कर दी है, जिसके तहत अब तय मानक पर नहीं उतरने वाले स्कूलों की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। खबरों की माने तो अब तक राजधानी पटना सहित बिहार के अधिकांश जिलों में कई स्कूल बिना मानक के ही चलाए जा रहे हैं। सीबीएसई के अधिकारियों का कहना है कि गांव में स्कूलों की मान्यता लेकर कई स्कूल राजधानी में चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सीबीएसई ने अभिभावकों को सलाह दी है कि नए सत्र में नामांकन लेने से पहले स्कूल की जांच परख जरूर कर ले। बिहार के राजस्व में हुआ इजाफा। बिहार के राजस्व में इजाफे की खबर सामने आई है। बिहार सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जमीन, फ्लैट और अन्य अचल संपत्तियों के निबंधन से राज्य सरकार को अच्छी आमदनी हुई है, जिसके बाद राजस्व में हो रही वृद्धि को लेकर जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने कई तरह की छूट दी है। सरकार ने पैतृक और पारिवारिक संपत्ति बंटवारे के निबंधन और स्टाम्प निबंधन शुल्क की राशि घटाकर मात्र 50 रुपए कर दी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सरकार की तरफ से 1% छूट दी गई है, जो अधिकतम 2000 रुपए तक की है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग के लिए 5000 करोड़ का लक्ष्य भी रखा गया है। बिहार में अब सैरात बंदोबस्त धारियों को नहीं होगा कोई नुकसान। राज्य भर में सैरातों के बंदोबस्ती को कोरोना के कारण काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब सरकार उसका आकलन करने जा रही है। इसको लेकर एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। कमेटी की सिफारिश पर ही बंदोबस्ती की राशि को माफ या कम करने पर कोई फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद यदि किसी बंदोबस्त धारी ने राशि जमा भी कर दिया हो तो सरकार उसको वापस भी करेगी। हालांकि इस निर्णय से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। आपको बता दें कि जलकर, हाट मेला आदि का ठेका लेने वाले, जिन्हें सैरात बंदोबस्त धारियों के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने सीधे अथवा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड की अवधि के दौरान सैरात बंदोबस्ती की राशि माफी का अनुरोध सरकार से किया था। अब खराब परफॉर्मेंस वाले कर्मी जिला अनुमंडल मुख्यालय के अंचल से होंगे बाहर। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं तो अब आप जिला या अनुमंडल मुख्यालय में पदस्थापित नहीं हो सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह आदेश लागू कर दिया है। विभाग ने वैसे सभी राजस्व कर्मचारी, अमीन और डेटा एंट्री ऑपरेटर को हटाने का आदेश जारी किया है जो काम नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के समाहर्ता को पत्र भी लिख दिया है। इन कर्मियों का मूल्यांकन विभाग द्वारा पीओपी के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर ही जो भी कर्मी राज्य स्तर पर निर्धारित परसेंटाइल में 25% से कम अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें जिला अथवा अनुमंडल मुख्यालय के अंचलों में पदस्थापित नहीं किया जाएगा और उन्हें जून महीने में उस जगह से हटा देने का आदेश जारी किया गया है। एयरपोर्ट के तर्ज पर बन रहा है परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय कैंपस। परिवहन विभाग का नया मुख्यालय राजधानी पटना में बनाने की तैयारी हो रही है। खबरों की माने तो विभाग का निर्माण अक्टूबर महीने तक करवा दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अब बस डीटीओ, आरटीओ कार्यालय और बस डिपो तीनों एक ही कैंपस में बनाया जाएगा, जिसके बाद अब आरा, बक्सर, सासाराम, भभुआ, छपरा आदि के लिए बसों की सुविधा यहीं पर उपलब्ध हो सकेगी। इतना ही नहीं, सिटी बसों का परिचालन भी यहां से ही किया जाएगा। इतना ही नहीं, नगर सेवा की बसों के लिए भी यहां अलग से एक बड़ा टर्मिनल भी बनाया जाएगा। 200 बसों के लिए पड़ाव भी बनाए जा सकते हैं, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाले हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सहूलियत के लिए इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी। जदयू के साथ विलय से पहले 2 दर्जन नेताओं ने थामा लालटेन का हाथ। जहां एक तरफ ऐसी खबरें मीडिया में आ रही हैं कि जदयू के साथ रालोसपा का विलय होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ रालोसपा को करारा झटका लगा है, जिसके तहत इस गठबंधन से पहले ही लगभग 2 दर्जन नेताओं ने लालटेन का हाथ थाम लिया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद की है, जिसके तहत उनकी मौजूदगी में ही इन नेताओं को राजद में शामिल किया गया है। इस दौरान तेजस्वी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि रालोसपा पूरी तरह से खाली हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव निर्मल कुशवाहा, महिला सेल की प्रमुख मधु मंजरी सहित 35 नेताओं ने राजद का दामन थाम लिया है। इनमें से 10 जिलाध्यक्ष भी शामिल है। राजद के प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी की सदस्यता इन्हें दिलवाई। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने 1940 में अंग्रेजों के जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर पर हमला किया था। इंडियन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में मदर टेरेसा द्वारा सन 1997 में नेता के रूप में सिस्टर निर्मला को आज के दिन चुना गया था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि आत्मारंजन का 1971 में जन्म आज के दिन हुआ था। एक युवा राजनेता और संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी का 1980 में जन्म आज के दिन हुआ था। 1800 में एक मराठा राजनेता नाना फडणवीस ने दुनिया को अलविदा आज के दिन कहा था।
मनोज बाजपेयी हुए कोरोना संक्रमित। बिहार से निकले अभिनेता मनोज बाजपेयी की कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। कोरोना होने के बाद मनोज बाजपेयी अपने घर पर ही सेल्फ क्वारंटीन में है। मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ऐसे में डायरेक्टर के बाद अब मनोज बाजपेयी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। एक्टर की टीम ने बयान जारी कर कहा है कि डायरेक्टर के कोविड-19 का शिकार होने के बाद मनोज बाजपेयी ने भी अपना टेस्ट करवाया, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। परिवार वालों की माने तो अभी उनकी स्थिति ठीक है। मिताली राज के अनोखे रिकॉर्ड पर सचिन जाफर ने दिया अपना रिएक्शन। मिताली राज ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मैच में इतिहास रच दिया, जिसके तहत मिताली राज इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई, जिसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता भी लग गया। जिसके तहत सचिन ने ट्वीट कर कहा कि मिताली को इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने की हार्दिक बधाई, बहुत बड़ी उपलब्धि, मजबूत बने रहो। वहीं वसीम जाफर ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि 10,000 इंटरनेशनल रनों तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई। मिताली राज, ये उपलब्धि खेल के प्रति आपके फिटनेस कौशल और समर्पण के लिए इच्छा शक्ति बताता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय, प्रदीप, शिवानी कुमारी, गजेंद्र सिंह, मोहन रॉय, शशिकांत कुमार, दिवाकर सिंह, शैलेंद्र कुमार, साहिर राज, उजाले शेख, अमित कुमार यादव, सुनील पासवान, सफीन भाई, ओमकार सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने में ये कितना सहायक साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।